ओके एग्जाम्पल टू ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये प्रूव करना है कि एन स्क्वायर प्लस एन टू से डिविजिबल है. प्रूव दैट एन स्क्वायर प्लस एन इज डिविजिबल बाई टू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन. तो यदि एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो यह एक्सप्रेशन टू से डिविजिबल है, ये प्रूव करना है. तो इसके लिए हमें यूक्लिड्स डिविजन लेमा का यूज करना होगा. कैसे करेंगे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. देखिए एन स्क्वायर प्लस एन ये एक्सप्रेशन को टू से डिविजिबिलिटी दिखाने के लिए हमें एन स्क्वायर प्लस एन को बदलना होगा एक फॉर्म में जिसमें टू इंटू समथिंग ऐसा होना चाहिए. टू इंटू समथिंग यदि आ जाए तो ये इस एक्सप्रेशन को यदि हम ऐसा बदल लें मतलब, तो टू से डिविजिबिलिटी आसानी से दिख रही है यहाँ पर. यदि किसी नंबर में टू एक फैक्टर है तो वह नंबर टू से डिविजिबल होगा ही होगा. जैसे 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12, तो यहाँ पर 2 एक फैक्टर आ रहा है तो ये बिल्कुल ये 24 2 से डिविजिबल होगा, राइट. ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे. लेकिन इसको करने के लिए मतलब इसको एक्सप्रेस करना है किसी फॉर्म में, तो कैसे हम इसका फॉर्म बदलेंगे. ये फॉर्म बदलने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें यूक्लिड्स डिविजन लेमा का यूज करना होगा. और यूक्लिड्स डिविजन लेमा ये कहता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एन को हम दो फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, वन एज 2m एंड वन एज 2m प्लस 1. ये दो केस बनते हैं हमेशा जब हम n को 2 से डिवाइड करेंगे तब. ठीक है, जब 2 से n को डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक कोशेंट मिलेगा और हमेशा एक रिमाइंडर r मिलेगा. और यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा n इज इक्वल टू 2m प्लस r, जहाँ पे r की वैल्यू 0 या 1 ले सकते हैं. तो 0 लेने पर 2m बना और 1 लेने पर 2m प्लस 1 बना. ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या n का जो फॉर्म है वो 2m और 2m प्लस 1 ही होता है बस, क्या और कोई फॉर्म नहीं हो सकता n का, माने n को क्या हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो यूक्लिड्स डिविजन लेमा के अनुसार कर सकते हैं. जैसे कि यदि हम 3 से डिवाइड कर दें n को, तो फिर से मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दूसरा इंटीजर मिल रहा है, लेट सपोज q, और रिमाइंडर r मिल रहा है, तो n को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से. n बराबर हो जाएगा 3q प्लस r, जहाँ पे r क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन 3. इसका मतलब कि r की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2. तो 0, 1, 2 रखेंगे जब तो हमें n की वैल्यू, n के जो है 3 फॉर्म्स मिलेंगे. एक मिलेगा 3q मिल जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर r की वैल्यू लिख रहे हैं 0. फिर एक बार लेंगे तो हमें मिलेगा 3q प्लस 1 एंड थर्ड टाइम मिल जाएगा हमें 3q प्लस 2. ऐसे ही यदि आप 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पर तो मिलेगा n का वैल्यू 4q, फिर 4q प्लस 1, फिर 4q प्लस 3. ठीक है, मतलब 4 मिल जाएंगे फॉर्म्स. लेकिन हमें तो केवल ये प्रूव करने के लिए जो सूटेबल होगा उसको यूज करेंगे ना, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, ना ही उसके आगे वाले को यूज करेंगे. हम इसी का यूज करने से यदि हमें मिल जा रहा है सारा रिजल्ट तो हम क्यों आगे बढ़ें. तो लेट अस यूज दिस वन. तो हम इसी को यूज करेंगे. और ये कहाँ से आया है, यूक्लिड्स डिविजन लेमा से. तो केस वन ये बनता है, दो केस बनेंगे. केस वन, यदि n की वैल्यू हम 2m यूज करेंगे इसके जगह पे, तो इसका फॉर्म कैसा चेंज होता है लेट अस सी. तो वी हैव एन स्क्वायर प्लस एन, इसके जगह पे 2m रखिए, क्या मिलेगा 2m होल स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ पर 4m स्क्वायर प्लस 2m. यदि इसको सॉल्व करेंगे इसमें से यदि हम 2 कामन ले लें, ओके इन दोनों में से यदि हम 2 कामन ले लें तो क्या मिलेगा, इसमें से कामन लेंगे 2 तो मिलेगा 2m प्लस 2m स्क्वायर प्लस, यहाँ से 2 कामन ले लिए हैं तो m बचा बस. देखिए 2 इंटू समथिंग आ गया ना, तो यहाँ पर 2 इंटू समथिंग हमने एक्सप्रेस कर लिया एन स्क्वायर प्लस एन को. तो यहाँ पर क्लियरली ये शो हो रहा है कि एन स्क्वायर प्लस एन इज डिविजिबल बाई 2. क्लियर. अब चलते हैं केस 2 में, देखते हैं कि केस सेकेंड में भी काम कर रहा है क्या, क्या 2m प्लस 1 लेंगे तब भी होगा क्या. तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू, यहाँ रखेंगे n की जगह पे 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1. लेट अस सी व्हाट हैपेंस.
यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो फोर एम स्क्वायर प्लस ओ फोर एम स्क्वायर प्लस वन प्लस यहाँ पे हो जाएगा फोर एम प्लस टू एम प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर फोर एम स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, फोर एम और टू एम को ऐड करेंगे तो सिक्स एम हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा सिक्स एम प्लस यहाँ देखिए वन और वन को ऐड करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा। अब इन सभी में से टू कॉमन कर सकते हैं क्योंकि सभी में टू फैक्टर है, टू कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा टू एम स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन करेंगे तो मिलेगा थ्री एम और यहाँ मिलेगा वन। तो हमने फिर से यहाँ पर इसको बदल लिया टू इंटू समथिंग है कि नहीं, जब टू इंटू समथिंग हमने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर तो ये बिल्कुल शो कर रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई टू। तो दोनों केस में यह नंबर टू से डिविजिबल है और दोनों केस किसके हैं, इसी नंबर को तो हमने दो तरीके से लिख करके दो केस बनाए थे। तो एक ही इंटीजर को हमने दो तरीके से एक्सप्रेस किया जब यहाँ पर, तो टू से डिविजिबिलिटी दिख रही है तो इससे कन्फर्म हो गया कि यह नंबर, ये जो नंबर है एन स्क्वायर प्लस एन, यह टू से डिविजिबल होगा ही होगा यदि n पॉजिटिव इंटीजर है तो। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा आपको। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल।